हॅलो एव्हरीबडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्चिड स्कूल, शिक्षण आपल्या दारी। मार्गदर्शिका आहे श्रीमती रुपाली हजारे मॅडम, विषय अध्यापिका आहे नावी शेख, कक्षा तिसरी, विषय हिंदी। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने पठन किया था प्रकृति की गोद में डॉल्फिन। इस पाठ में हमने डॉल्फिन मछली के बारे में जानकारी ली थी। सभी को ये पाठ पसंद आया होगा, समझ में आ गया ना? तो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अगला लेसन है हमारा, 9th लेसन है, पाठ क्रमांक 9, यह दीपावली। तो बच्चों, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। देखो बच्चों, हमारे भारत देश में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना? मनाए जाते हैं ना? हाँ, तो ये त्यौहार कौन कौन से आपको पता है क्या? बोलो, पता है आपको? हाँ, तो हम लोग होली मनाते हैं। जनवरी में कौन कौन से सन आते हैं, कौन से त्यौहार आते हैं जनवरी में? हाँ, मकर संक्रांत है। तो मकर संक्रांत में हम लोग क्या करते हैं आपको पता है? हाँ, तो देखो, महाराष्ट्र में ये मकर संक्रांत बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या करते हैं मकर संक्रांति में? कुछ लोग पतंग उत्सव मनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे शोलापुर में तो कितनी बड़ी यात्रा होती है ना, मेला लगता है। ये मेले में आप जाते हो ना? तो मकर संक्रांति, ये तो त्यौहार सभी को पसंद है। उसके बाद 26 जनवरी आता है जनवरी में। उसके बाद हम लोग क्या मनाते हैं, कौन कौन सी ईद है, जैसे कि होली है, और कौन सी है, दशहरा है, और रक्षाबंधन। अभी फिलहाल में जो हम लोग मना रहे हैं जन्माष्टमी, है ना? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण का पूजा करते हैं ना कृष्ण जन्माष्टमी में। उसके बाद है ओणम, रक्षाबंधन हाल ही में आपने ये त्यौहार किया होगा, है ना? तो इस त्यौहार में हम क्या करते हैं, बहन अपने भाई को राखी बांधती है, इससे क्या होता है, दोनों में बंधुता बढ़ती है, है ना? उसके बाद 26 जनवरी है, मकर संक्रांत, होली और ईद। ईद में हम लोग क्या करते हैं, रमजान मनाते हैं। रमजान ये मुस्लिम लोगों का त्यौहार है। उसके बाद कौन से है, गणेश चतुर्थी। अभी कौन सी आने वाली है अपनी ईद, गणेश चतुर्थी, ये भी जोरों शोरों से हम लोग मनाते हैं। और कौन से है, गांधी जयंती, और 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या होता है, नाताल, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भारत देश में अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। तो त्यौहार का हमारे जीवन में कुछ महत्व है, क्या है महत्व, ये त्यौहार हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखो, रोज की अपनी जो जिंदगी चल रही हो उसमें कैसा रहता है कि बहुत सारे कार्य हम लोग हमारे जीवन में करते रहते हैं। तो इस जीवन में जितने कार्य करते वक्त हमको थोड़ा सा अलग ऐसा माहौल मिलने के लिए हम लोग ये ऐसे ईद मनाते हैं। तो मानवीय जीवन अनेक अपने विविधता से बनाया हुआ है ना? तो इसमें अपनी बहुत सारी व्यस्तता के लिए हमें मनोरंजन करने के लिए कुछ समय हमें मिलता नहीं। तो जब हम लोग ये सन उत्सव त्यौहार मनाते हैं तो इससे हमारा मनोरंजन होता है, अलग अलग लोगों से हम लोग मिलते हैं, सब लोग हमारे घर रिश्तेदार वगैरह एक जगह पर मिलकर हम लोग अपनी ईद, अपने ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो इस त्यौहार से, जैसे कि रक्षाबंधन में भाई बहन का त्यौहार है, इस रक्षाबंधन हमें क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, भाई बहन का प्यार दिखाता है। होली के त्यौहार से हमें क्या मिलता है, तो वैमनस्य और कटुता दूर करने का संदेश ये होली से हमें मिलता है। इससे क्या मिलता है, इससे हमें भाईचारे से रहने का और मिलजुल कर रहने का ये संदेश हमें मिलता है। तो कुछ राष्ट्रीय सन होते हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर है, 14 नवंबर है, नेहरू जयंती, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त अभी फिलहाल में आने वाला है। तो ये त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, देश प्रेम हमारा जागृत होता है और बंधुत्व जगाने का काम ये त्यौहार करते हैं। इन त्यौहार में हम क्या क्या करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, और सब घर के सभी लोग मिलजुल कर खाते हैं और ये सन त्यौहार मनाते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मनोरंजन होता है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। और एक त्यौहार है जो सभी सभी एज के बच्चों को और बूढ़ों को सभी को पसंद है, तो ये त्यौहार कौन सा है पता है आपको? बता, ये त्यौहार है दीपावली। सभी को पसंद है ना दीपावली? तो ठीक है, आज हम लोग ये लेसन पढ़ने वाले हैं, यह दीपावली। देखो बच्चों, दीपावली में हम लोग क्या क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। हाँ देखो, इस तरह से ये पंडी लगाते हैं, आकाश दिया होता है और स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और कुछ मिठाई फल वगैरह मिठाई भी बनाते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है लड्डू है और क्या है चकली बनाते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे कि चकली है, सेव है, ये पदार्थ हम बनाते हैं। और इस तरह से सुबह में बच्चे क्या करते हैं, सुबह में जल्दी उठते हैं, नहा धोकर अच्छे नए वस्त्र पहनते हैं, इस तरह से ये रंगोली निकालते हैं, है ना, निकालते हो ना आप भी। देखो यहाँ पर माँ पूजन कर रही है और क्या करते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, फटाके। तो देखो यहाँ पर ये फटाके वगैरह सीन दिख रहा है, तो फटाके भी हम लोग उड़ाते हैं, तरह तरह के फटाके वगैरह। और इस तरह से ये दीप भी जलाते हैं। ये जो दीपावली है, ये दीपावली हम कितने दिन मनाते हैं, 5 दिन की होती है ना। तो ये दीपावली सन सभी को बहुत अच्छा लगता है, लगता है ना दीपावली, ये त्योहार हम लोग बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं, है ना। देखो और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं, फटाके उड़ा रहे हैं, हाँ फटाके जला रहे हैं। और ये दो बच्चे और उनके पिता यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो बच्चों आज हम लोग यह दीपावली सन के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, तो आपको उसके आंसर देना है। आप कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं बताओ बच्चों, आप कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं? हाँ बोलो। कुछ लोग होली मनाते होंगे और रंग पंचमी। रंग पंचमी को हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक दूसरे के अंग पर रंग उड़ाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, होली मनाते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी, ओणम, आपको पता है ओणम ये सन, ओणम ये त्यौहार किसका है? ओणम ये त्यौहार है दक्षिण भारत का, खास करके केरल में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खेतों में अच्छी तरह से फसल आने के लिए ये जो सन है ये लोग मनाते हैं। ओणम ये सन ज्यादातर किसान लोगों का है, 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक यह सन मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो सन है ये मलयाली लोगों का है। और कौन कौन से सन मनाते हैं, रक्षाबंधन, दीपावली और दशहरा। हाँ तो बच्चों आप कौन कौन सा सन मनाते हैं? हाँ दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांत, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है बोलो बच्चों, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? किसी का दीपावली होगा, किसी का होली होगा, किसी का दशहरा, लेकिन ज्यादातर बच्चों का पसंदीदा त्योहार कौन सा है, कौन सा है? दीपावली, ठीक है। हम त्योहार को क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं त्योहार को हम लोग बताओ बच्चों, क्यों मनाते हैं? क्योंकि बोलो, हाँ क्यों मनाते हैं सन हम लोग? जीवन में सुख और आनंदित रहने के लिए और मनोरंजन करने के लिए और आपस में मेलजोल बढ़ाने के लिए हम लोग त्योहार मनाते हैं, है ना। त्योहार के दिन क्या क्या होता है, लोग हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, आपस में बातचीत होती है ना, फिर तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं हम लोग, हाँ सुग्रास ऐसा भोजन करते हैं, है ना, नए कपड़े पहनते हैं। तो हर एक सन को इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए हम त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाके किस त्योहार में जलाए जाते हैं बताओ, फटाके किस त्योहार में जलाए जाते हैं पता है ना आपको सभी को? दीपावली में, हाँ बराबर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीपावली के दिन आप
क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते दीपावली के दिन, बोलो बच्चों, सभी को पता है ना, सभी बहुत धूमधाम से मनाते हो ना दीपावली। हाँ हाँ, तो दीपावली में आप लोग क्या क्या करते हो? सवेरे जल्दी उठ जाते हो, फिर मम्मी क्या करती है आपकी, हाँ, रंगोली निकालती है अच्छे से, फिर पूजा अर्चा होती है ना, नए कपड़े पहने जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो, स्वादिष्ट ऐसा फराह खाते हो, उसके बाद क्या करते हो, हाँ, फटाके उड़ाते हो। तो और इस त्योहार के लिए सभी लोग एक साथ आते हैं ना, तो उसके वजह से और ज्यादा मनोरंजन होता है ना। तो इस तरह से दीपावली आप लोग मनाते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फटाके जलाने से किस प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है, बताओ बच्चों, किस प्रकार की हानि होती है पटाखे जलाने से, कौन सा प्रदूषण होता है पटाखे जलाने से? फटाके जलाने से कुछ लोगों को खुशी मिलती है, कुछ लोगों को ध्वनि प्रदूषण हो जाता है ना, किसी को और क्या होता है, हवा खराब हो जाती है, वायु प्रदूषण हो जाता है ना। फटाके जलाने से क्या क्या होता है, किस प्रकार की हानियां होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है और क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसा होता है, जैसे कि फटाके हम लोग उड़ाते हैं, जलाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है, तो जिनको, जो लोग बीमार है, जो बूढ़े है, उनको वो ध्वनि प्रदूषण, उसका जो आवाज होता है धम से वगैरह आवाज जो होता है वो फटाके उड़ाने से, उससे उसकी तकलीफ उनको हो जाती है, बूढ़े लोगों को, और जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इस ध्वनि प्रदूषण का तकलीफ होती है ना। और वायु प्रदूषण से क्या होता है, जिसको सांस की तकलीफ है, जो बीमार लोग है, जो बूढ़े है, उनको भी ये वायु प्रदूषण से तकलीफ होती है ना। तो इस तरह से हमें इन हानियों का सामना ये फटाके जलाने से करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो बच्चों पेज नंबर 54 ओपन करो, किया सभी ने? तो आज अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे, पाठ क्रमांक 9, यह दीपावली, इसके लेखक है पवित्रा अग्रवाल। तो इस पाठ के मुख्य भाव क्या है, देखो, यह कहानी हमें धर्म का सदुपयोग और परोपकार की सीख देती है। देखो यह कहानी में हमें क्या देखना है, धर्म का सदुपयोग और परोपकार की सीख। परोपकार यानी क्या, ये मैंने आपको सिखाया था, परोपकार यानी जो हमारे पहचान के लोग नहीं है, जो त्रयस्थ है, उनकी हम मदद करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परोपकार। तो ये पाठ में हमें पढ़ना है कि किस तरह से परोपकार यहाँ पर किया है। पटाखे और आतिशबाजी में धन की बर्बादी होती है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, दीपावली को हम लोग पटाखे उड़ाते हैं ना, तो इससे लेखक क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग फटाके उड़ाते हैं तो इससे क्या होता है, आतिशबाजी से धन की बर्बादी होती है। इन्हीं पैसों से हम किसी जरूरतमंद की मदद कर धन का सदुपयोग और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो लेखक का क्या कहना है, देखो जो ये फटाके वगैरह हम उड़ाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो इससे धन की बर्बादी होती है। तो ये ना करते हुए आप क्या करो, इन्हीं पैसों से कोई जो जरूरतमंद है उसको आप मदद करो, तो इससे क्या होगा, धन का सदुपयोग होगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। पर्यावरण की रक्षा कैसी होगी, इससे ये जो फटाके जलाने से जो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है, ये प्रदूषण नहीं होगा, इससे पर्यावरण की रक्षा होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो सारांश, इस कहानी का पात्र एक बालक है। तो देखो इस कहानी में हमें क्या देखना है, इस कहानी में एक बालक है, बालक दीपावली के पटाखे खरीदने दोस्त की दुकान जाता है। तो ये जो बालक है वो फटाके, दीपावली आई हुई है, दीपावली के लिए वो जो बालक है वो फटाके खरीदने के लिए दोस्त के दुकान पर जाता है। तब उसको वहां दोस्त के घर पर काम करने वाली औरत का बच्चा बीमार है, ये मालूम हो जाता है। तो देखो ये जो बच्चा है फटाके लाने के लिए,
उसके दोस्त के दुकान पर जाता है तो वहां पर उसे क्या दिखाई देता है, उनके घर में काम करने वाली जो एक औरत है उसका बच्चा बीमार है। दोस्त ने उस औरत की मदद करने से इनकार किया। दोस्त देखो, वो औरत कुछ वो उसके दोस्त को मांग रही थी, मदद मांग रही थी, तो उसने उसे इनकार कर दिया। ये देखकर बालक खुद के पटाखों के पैसे से उस औरत के बच्चे का इलाज करवाता है। तो देखो इस बात में, ये जो बच्चा पटाखे लाने के लिए जो गया हुआ था, तो उसने क्या देखा दोस्त के दुकान पर, कि वहां पर एक औरत आई हुई है और वो कुछ मदद मांग रही है, लेकिन उसका दोस्त वो मदद करने के लिए इनकार कर देता है। तो ये जो बालक है जो पटाखे लाने के लिए गया था, वो खुद के पैसों से उसका इलाज, उसके बच्चे का इलाज करवाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखो जरूरतमंद लोगों की मदद करने की प्रेरणा हमें इससे मिलती है। तो ये जो हम लोग पैसों का दुरुपयोग करते हैं, तो उसका अच्छे इस्तेमाल करना है, जो जरूरतमंद है उन्हें हमें मदद करना है, ये प्रेरणा हमें इस पाठ से लेना है। ठीक है, तो बच्चों पेज नंबर 54 ओपन करो। किया ओपन सभी ने? देखो पाठ क्रमांक 9, यह दीपावली, इसके लेखक है पवित्रा अग्रवाल। तो हमने यहाँ पर ये देखा, आप भारत देश में कौन कौन से सन मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, यह हमने देखे। त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये भी हमने देखा। तो आगे हम देखेंगे, मेरे दोस्त नंदू के पिता पटाखों का व्यापार करते हैं। तो व्यापार, व्यापार यानी क्या, धंधा, व्यवसाय। तो इनके जो दोस्त जो है, मेरा दोस्त नंदू के पिता पटाखों का व्यापार करते हैं। उनका कौन सा व्यापार था, पटाखों का था, पटाखों की दुकान थी। मैं पटाखे के लिए 200 रुपए मम्मी से लिए और अपने जेब खर्च से बचाए 200 रुपए भी जेब में रखकर नंदू के घर की ओर चल दिया। तो देखो ये बालक क्या किया है, उसने पटाखे लाने के लिए मम्मी के पास से 200 रुपए लिए, 200 रुपीज लिए, और उसने खुद कुछ पैसे जमाए हुए थे, तो वो जेब से कितने पैसे लिए, 200 रुपए लिए, यानी टोटल कितने हो गए, 200 और 200 मिला के 400 रुपीज लेकर वो जेब में लेकर नंदू के घर की ओर चल दिया। नंदू के घर की ओर क्यों गया बालक ये, क्योंकि उसके पिता की पटाखों की व्यापार थी और उसको पटाखे लेना था। नेक्स्ट देखो क्या है, नंदू के घर एक औरत बैठकर रो रही थी। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बालक पटाखे लाने के लिए गया हुआ है और ये जो औरत है यहाँ पर बैठी हुई है, वो रो रही थी। इसके रोने का कारण क्या था, देखो हम जानेंगे अभी आगे। वह नंदू की बहन से 300 रुपए उधार मांग रही थी। देखो ये जो औरत है, ये नंदू की बहन है और ये नंदू का घर है, और यहाँ पर ये औरत ऐसे रोते बैठी हुई है और ये बालक पटाखे लाने के लिए वहां पर गया हुआ था। उधार यानी क्या, उधार यानी कर्ज। तो ये जो औरत है वो नंदू की बहन से कर्ज मांग रही थी। क्यों मांग रही थी, देखो आगे देखेंगे हम लोग। नंदू की बहन ने कहा, देखो भाई मम्मी घर पर नहीं है, हमारे यहाँ काम करते अभी तुम्हें 10 दिन ही हुए हैं। देखो बच्चों, ये जो औरत है ये काम वाली औरत है, इनके बातों से समझ में आ रहा है ये इनके घर पे काम करती थी, लेकिन वो गरीब होने के कारण उसे पैसे की जरूरत थी, कुछ तो उसको परेशानी होगी, इसलिए वो उसे पैसे मांग रही थी। तो ये जब सीन चल रहा था तभी वहां पर ये बालक आया हुआ था, उसने ये देखा कि एक गरीब औरत है, ये रोते हुए यहाँ पर बैठी हुई है घर पे, और वो नंदू के बहन से कुछ पैसे की मांग कर रही है, उसे कर्जा मांग रही है। तो उसके ऊपर ये जो पैसे मांग रही थी, तो नंदू की बहन ने उसे क्या जवाब दिया, हमारे यहाँ काम करते अभी तुम्हें 10 दिन ही हुए। तो वो क्या बोल रही थी कि 10 दिन ही हुए, आप पैसे कैसे मांग रहे हो, घर पे मम्मी भी नहीं है। उनसे बिना पूछे तुम्हें 300 रुपए कैसे दे दूं, तुम इंतजार कर लो।
यानी ये औरत इसे कितने पैसे मांग रही थी, 300 रुपए मांग रही थी। तो ये बोल रही थी कि अगर मम्मी नहीं, मम्मी घर पे नहीं है, तुम घर में कितने 10 दिन ही हो गए अभी काम कर रही हो, तो मैं आपको पैसे कैसे दे दूं, तुम इंतजार कर लो। इंतजार यानी क्या, प्रतीक्षा कर लो। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, बताइए पटाखे खरीदने के लिए बच्चे के पास कुल कितने रुपए थे। कितने रुपए थे, ये फर्स्ट पैसेज में हमने देखा कितने रुपए थे, 200 रुपए मम्मी से लिए थे और 200 रुपए उसके जेब में थे, तो टोटल कितने हो गए, 400, 400 रुपए हो गए, है ना। तो कितने पैसे थे बच्चे के पास, 400 रुपए थे, ठीक है। उसके बाद यदि बच्चा भाई को 300 रुपए दे देता तो उसके पास कितने बचते। तो अगर ये सोच रहा था कि मैं इस औरत की हेल्प करूं, अगर ये इसे, ये औरत कितने पैसे मांग रही थी, 300 रुपए, ये बच्चा अगर उसे उसके पैसे दे देता तो उसके पास कितने पैसे बचते, 400 में से 300 गए, कितने रह गए, 100 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 55 ओपन करो। पर मैं तो इंतजार नहीं कर सकती। देखो वो औरत क्या बोली कि मेरे पास, मुझे पैसे चाहिए, 300 रुपए वो कर्ज मांग रही थी नंदू की बहन से। तो फिर वो बहन ने क्या बोला कि मम्मी घर पे नहीं है और आप 10 दिन हो गए काम कर रहे हो, मैं आपको पैसे कैसे दे दूं। तो औरत क्या बोल रही, पर मैं तो इंतजार नहीं कर सकती, तब तक तो मेरा बेटा मर जाएगा। वो आंसू पोंछती हुई घर से बाहर निकल गई। ये औरत जो है पैसे क्यों मांग रही थी नंदू की बहन से, क्योंकि उसका बेटा बीमार था और उसको उसका इलाज करने के लिए 300 रुपए की जरूरत थी और वो नंदू की बहन को मांग रही थी। लेकिन नंदू की बहन उसे देने से इनकार क्यों कर रही थी, क्योंकि घर पे माँ मौजूद नहीं थी और माँ को बिना पूछे वो कोई काम करना नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने क्या बोला उस औरत को, आप 10 ही दिन हो गए घर में काम कर रहे हो और मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैं मम्मी घर पे नहीं है तो आपको पैसे नहीं दे सकती। तो उसका कहा भी परावर्त है ना नंदू की बहन का, लेकिन उसकी जरूरत भी थी। तो औरत भी इतनी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका बच्चा बीमार था इसलिए वो पैसे मांग रही थी, ठीक है। तो दोनों अपने अपने जगह पर सही थे, लेकिन देखो अभी आगे क्या होता है। मैंने उसे रोककर डॉक्टर का पर्चा देखा। ये किसने देखा, वो जो बच्चा वहां पर आया था अपने दोस्त के दुकान से पटाखे लेने के लिए, तो उसे रहा नहीं गया, वो औरत रो रही थी। तो उसको उसको लगा कि हम इसकी मदद, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। तो उसने क्या किया, फिर मैंने उसे रोककर डॉक्टर का पर्चा देखा। पर्चा देखकर मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं दवाएं अभी दिलवा देता हूँ, फिर तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास भी चलूँगा। देखो बच्चों, ये जो बच्चा है मन से कितना साफ है और कितना हेल्पिंग नेचर का है ना। उसे उस औरत का जो दुख है वो देखा नहीं गया। उसने क्या सोचा कि चलो मैं इसकी मदद कर लेता हूँ। इसने सोचा क्या कि मम्मी ने मुझे फटाके लाने के लिए पैसे दिए हैं, मैं क्यों खर्चा करूं, मम्मी मुझे गुस्सा करेगी, तो ये सोचा नहीं उसने। और उसने क्या सोचा कि चलो इस औरत की मैं मदद करता हूं। तो उसने क्या बोला फिर उस बालक ने, उसने फटाके लेने का इरादा छोड़ दिया। उसने क्या सोचा कि मैं इस औरत की मदद करूं। तो उसने उसे पूछा कि मुझे आपका पर्चा दिखाओ, जो दवाइयां लेनी थी वो पर्चे पर लिखा हुआ था। तो उसने बोला कि वो पर्चा मुझे दिखा दो, मैं आपको दवाई दिलवा देता हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास भी चलूंगा। दवाएं लेकर हम डॉक्टर के पास पहुंचे। कंपाउंडर बोला परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा ठीक है। तो देखो बच्चों, उसने उसे दवाई भी दिलाई और वो बच्चा जो फटाके लेने के लिए आया था वो डॉक्टर के पास भी पहुंच गया। और कंपाउंडर के साथ बात करने के बाद कंपाउंडर क्या बोला, परेशान मत हो,
तुम्हारा बेटा ठीक है, डॉक्टर साहब ने अपने पास से इंजेक्शन लगाया है, ग्लूकोज भी उसे चढ़ाया जा रहा है। ग्लूकोज याने द्राक्ष सरकरा। ग्लूकोज क्या करती है, क्या करते साहब, कहीं से इंतज़ाम नहीं कर पाई। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने उसकी राह देखी, लेकिन ये औरत को वहाँ पर जाने के लिए देर हो गई। तब तक डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसको इंजेक्शन भी लगा दिया और ग्लूकोज भी यानी सलाइन भी चढ़ा दिया। तो फिर उसने उसको उन डॉक्टर को उन्होंने उस औरत ने क्या बोला, क्या करती साहब, कहाँ से इंतज़ाम किस चीज़ का करना था उस औरत को, पैसों का करना था, पैसों का इंतज़ाम करना था। तो फिर उसने डॉक्टर साहब को बोला, क्या करती साहब, मेरे पास पैसे नहीं थे उसका इंतज़ाम करने में, मुझे आने के लिए देरी हो गई, देवदूत की तरह यह बच्चा मुझे मिल गया। उसने क्या बोला कि ये जो बच्चा है देवदूत की तरह मुझे मिल गया। देवदूत यानी क्या, एंजिल, फरिश्ता है कि नहीं। अभी ये देखो कितने सारे परेशानी में थी ये औरत और ये बच्चे ने उसे हेल्प किया, तो वो उसे देवदूत बोल रही थी, क्योंकि देवदूत क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। उसी तरह ये बच्चे ने आगे होकर उनकी हेल्प की, देवदूत की तरह यह बच्चा मुझे मिल गया, ऐसे औरत ने उसे बोला। इसी ने मुझे सब दवाई खरीद कर दी है। उसने क्या बोला डॉक्टर साहब को, ये बच्चे ने मुझे हेल्प की, ये देवदूत की तरह है और इसने मुझे सब दवाइयाँ खरीद कर दी है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। दीपावली के लिए पटाखे खरीदने बाजार जा रहा था, उन रुपयों से इसने मुझे दवा दिलवा दी। देखो बच्चों, ये बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है ना, उसको सभी बच्चों को पटाखे उड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसने वो बात जानबूझकर नहीं की। वो उसने क्या किया, परोपकारिता की, ये अनजान औरत को उसने हेल्प की, क्या की, अपने पैसों से उस औरत, गरीब औरत की मदद की, उसे दवाई ला के दी और उसके बच्चे की जान बचाई है ना। दीपावली के लिए फटाके खरीदने बाजार जा रहा था, उन रुपयों से उसने मुझे दवा दिलवा दी। शाबाश बेटे, तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम्हारे घर अब तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी, कंपाउंडर ने पूछा। तो कंपाउंडर ने इस बात पर उस बच्चे को शाबाश की दे दी कि बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चों, हमने आज दीपावली यह पाठ पढ़ा है ना, तो आपको यह पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा ना। तो इस तरह से हम लोग वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये अगर रोकना चाहते हैं तो हमें पैसों की बर्बादी नहीं करना है। दीपावली तो हमें मनाना है, लेकिन किस तरह से मनाना है, पैसों की बर्बादी ना करते हुए हमें ये दीपावली मनाना है। इस तरह से जो जरूरतमंद है उन्हें हम हेल्प कर सकते हैं, इस पाठ से हमें ये सीख लेना है ना, है ना। तो हम लोग अभी ये नंदू ने इस तरह से ये जरूरतमंद औरत की हेल्प की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो अनाथ आश्रम होते हैं, जो वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम में कौन से बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, तो हम लोग उन बच्चों को क्या कर सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं। उन्हें नए कपड़े मिलते हैं क्या, नहीं, तो हम लोग उन्हें नए कपड़े दिला सकते हैं। जो हमारी बिकी बैंक है, जो हम लोग पैसे जमा करते हैं, उन पैसों से हमें जरूरतमंद लोगों को इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। आपके घर पे भी कोई ऐसी काम करने वाली औरत होगी, उसके भी बच्चों के लिए आप कुछ दे सकते हो, जैसे कि खिलौने दे सकते हो, कुछ फराल का सामान, दीपावली के वक्त फराल का सामान दे सकते हो। इस तरह से हम लोग भी इस बालक की तरह लोगों, जरूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में भी जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए भी हम लोग इस तरह से फराल दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं जाकर। तो इस तरह से हमें लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। ये पाठ इस तरह से हमें इस पाठ से सीख लेना है ना, आप करोगे ना, ठीक है। तो इस पाठ का वाचन आज जो मैंने आपको पढ़ाया था उस पाठ का वाचन आपको एक बार करना है, और जो मैंने कठिन शब्द आपको दिए हुए थे वो कठिन शब्द दो बार करना है, ठीक है। आपको पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा ना, ओके, धन्यवाद।